आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है कि अंतर हैलोजन यौगिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर हैलोजन होता क्या है। तो देखिए, अंतर हैलोजन क्या होता है कि जब दो हैलोजन आपस में अभिक्रिया करता है, जैसे दो हैलोजन को एक H2 ले लेते हैं और दूसरा H2- ले लेते हैं, यानी दोनों हैलोजन है, दोनों अलग अलग है, H2 और H2-। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बना लेंगे, X-X- के अंतर हैलोजन बना लेते हैं। पहला तो इनके चार टाइप होता है। एक ये टाइप होता है X-X-, एक होता है X-X-3, एक होता है X-X-5 और चौथा होता है X-X-7। चार प्रकार के अंतरहैलोजन बनाते हैं। इनमें से जो X है, X ये बड़ा आकार का है, बड़ा आकार, जिनका आकार बड़ा होगा, बड़ा आकार का हैलोजन है, और X- छोटा आकार का हैलोजन है, छोटा आकार का हैलोजन है। तो चार प्रकार के अंतरहैलोजन बनाते हैं और ये अंतरहैलोजन बनाने के कारण ये है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम होता है, और अंतर कम होगा तो इनका क्या होगा, बंध वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण क्या है, अधिक क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील भी होता है। और इनके जो अंतरहैलोजन यौगिक हैं, ये जलीय विलयन में और लवण में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, अंतरहैलोजन जलीय विलयन व लवण में अधिक अस्थाई होता है। ये अधिक ही ज्यादा अस्थाई होता है, ठीक है, जलीय विलयन में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कथन। पहला कथन बोल रहा है ये यौगिक अजलीय विलायकों की तरह उपयोग में लाए जा सकते हैं। अजलीय नहीं है, जलीय विलायक में लाया जाता है, ये तो पहला वाला गलत ही हो गया। दूसरा है, ये यौगिक बहुत उपयोगी फ्लोरीनी कारक होते हैं, ये भी गलत है, फ्लोरीनी कारक नहीं होता। मैं लिख लेता हूँ, अंतरहैलोजन यह फ्लोरीनी कारक नहीं होता, फ्लोरीनी कारक नहीं होता है। मतलब यही जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोरीनी कारक ही होगा, फ्लोरीनी कारक के साथ साथ और भी चीज बनते हैं, जैसे जरूरी थोड़ी है फ्लोरीन के सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड ही बन सकते हैं फ्लोराइड, फ्लोरीनी कारक नहीं होता है, यानी फ्लोरीन किसी के साथ वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फ्लोराइड बनाता है, O2F2 ही बनाता है, वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके फ्लोरीन का अंतरहैलोजन नहीं होगा, वो क्लोरीन का हो सकता है, CLF हो सकता है, BRF हो सकता है, IF हो सकता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है CLF3 BRF3 का उपयोग यूरेनियम-235 के संवर्धन हेतु UF6 के उत्पादन में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। तीसरा कथन 100% सत्य है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा, सी ऑप्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।